140 करोड़ जनता का एक तिहाई बहुमत देश के प्रधानमंत्री के साथ हो, हम क्वालिफिकेशन उसका हम क्यों जाए दे? अंजना ओम कश्यप के जैसे आप भी उनके साथ हैं। कहाँ गए हमारे अंकल जी? एक मिनट, अरे रुको यार अंकल जी, आप बताओ हम क्या करें? कहाँ से राहुल गांधी या केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना दे, प्रधानमंत्री बना दे? प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत की जरूरत पड़ती है, वो भी संसद में देना पड़ता है। बहुमत चाहिए, कितना आप दिलाओगे तुम्हारे लिए? कितना दिलाओगे आप? मोदी का प्रचार, आप कितना पैसा मिला? मोदी का प्रचार कितना पैसा मिला तुम्हारे लिए? कितना दिलाओगे? कितना पैसा मिला? कितना दिलाओ आप? कितना दिलाओगे? सरकार शौचालय बनाता है लेकिन उसको साफ करने का जिम्मेदारी किसका? सरकार का है। हम लोग अगर स्वच्छ करने के बाद अगर पानी नहीं देंगे तो गंदा तो वहाँ पे होगा, हम लोग गंदगी बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को भी ठीक होना पड़ेगा, अकेला सरकार से कुछ नहीं होगा। पीएम किसको देखना चाहते हैं? पीएम तो मोदी जी। किसको पीएम देखना चाहते? मोदी जी को। पीएम किसको देखना? जी मोदी जी को। किसको पीएम बनाएंगे? अरे 10 साल कम नहीं होता, बहुत दिन होता है, 120 महीना हो गया, 60 दिन पहले 60 महीने के बाद बोलता था, अब जो है हिमालय की चोटी पर जो चढ़ा वो बताइए वही है कि नीचे आ गया? ये दुनिया का नियम है, हमेशा ढलाव की ओर पानी जाती है, तब ऊपर बहुत ऊंचाई पर चला गया, अब नीचे की ओर आना ही आना है। अच्छा। लेकिन वो जो है मानने को तैयार नहीं है, आखिर किस चीज का उनको मोह माया है? उनके लिए कुछ नहीं दिखाई देता, उनको खिल्फ दिखाई देता है, सिर्फ अदानी अमानी बस यही दिखाई देता, देश का नहीं परेशानी। बदल दीजिए, आपके पास पावर है, आपके पास वोट है, काहे बैठा रखे? लेकिन मशीन जो है ये वोटिंग मशीन में जो है ईवीएम में उसमें गड़बड़ घोटाला, फिर आपसे संतुष्ट नहीं होंगे? बिल्कुल, फिर बदलेगा ही बदलेगा, जहाँ उसका निर्माण किया गया वहाँ से वोट नहीं होता, इस पर कोई विश्वास भरोसा नहीं है। अब बोलता गलत नहीं हो सकता, पड़ेगा होता है, एक मिनट हम लोग चांद पर उतार देते हैं। सुनिए एक मिनट, आपको सुनना पड़ेगा सर, आपने बोला हमने सुन लिया, ठीक, आपको इसलिए सुनना पड़ेगा कि जिस बात को लेकर आप लोग मुद्दा बनाते हैं सत्ता पक्ष उसी का फायदा उठाता है। क्यों उठाता है? कहता है कि जहाँ जहाँ पर विपक्ष के राज्य सरकार हैं वहाँ पर भी वोटिंग मशीन से ही चुनाव हुआ, वहाँ के उनके मुख्यमंत्री हैं। 2004 से लेकर 2014 के बीच में वोटिंग मशीन से ही पीएम रहे मनमोहन जी जो है, उसके बाद जो है अब अगर आप आरोप लगाते हैं, जबकि वोटिंग मशीन पर अगर आरोप लगाते हैं कर्नाटका तेलंगाना हिमाचल पश्चिम बंगाल जहाँ भी है, नहीं नहीं जहाँ भी है वहाँ सरकार बना रखे हैं, फिर अब आप जो है कुछ नहीं सच्चाई बोल देते, डाइवर्ट करते हैं, एकदम डाइवर्ट कर रहे हैं, हकीकत बोल देते हैं, डाइवर्ट करते हैं। सुनो उसमें क्या है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सुन लीजिए, सुनिए, सर्टिफिकेट भी आप क्या यूनिवर्सिटी लिखा था, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने लिखा नहीं, वो पढ़ा लिखा है ही नहीं, बहुत मौका मिल गया, बहुत आप सुनिए कुछ नहीं है, बेकार आप बताओ, रोजगार होनी चाहिए, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य होने चाहिए। भाजपा के पत्रकार हो भाई? भाजपा के पत्रकार बताओ ना तुम, बोलो ना पहले, सुन लीजिए, पढ़ा लिखा एडवोकेट है देवेंद्र कुमार वर्मा, एडवोकेट आदमी बोल रहा है, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, मेरे मेरे जितना अधिकार आपको है, मूर्ख आदमी है, जितना अधिकार अमित शाह दोनों, जितना अधिकार आपको है बात रखने का उतना भी अधिकार हमें भी है, जितना अधिकार आपको है, जांच को मरवाया आप बताइए, आप भारतीय हैं, भारतीय हो आप, किसके फेवर में? आप बताइए किसके फेवर में, आप किसके फेवर में? हम उसके फेवर में है जो विकास करेगा, जो जनता के बारे में सोचेगा, सुनिए, जो जनता के बारे में, जनता विकास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार के बारे में सोचेगा, उसके फेवर में हम ठीक है। किसको बनाए फिर, किसको बनाया जाए, प्रधानमंत्री किसको बनाए भाई आज के टाइम में? प्रधानमंत्री आपके दिल्ली के लिए, प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? केजरीवाल को बनाओ ना, मेरे हिसाब से हम कह रहे हैं केजरीवाल को बनाओ, राहुल गांधी को बनाओ, प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुमत की जरूरत पड़ती है। मीडिया बर्बादी, मीडिया सुनिए, 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 मेरी बात को चमचाई करने से अच्छा है हकीकत दिखाओ, चमचाई करने से अच्छा है, चमचाई करने से अच्छा है। सुनिए, सुनिए, अरे भाई साहब, अरे सुनोगे तो बात तो सुनोगे, मीडिया वाले रुकते हैं 2 मिनट, विपक्ष की छटपटाहट इसी से नजर आती है, मुद्दा विहीन नेता विहीन, अगर बातों को कोट किया जाए तो मीडिया बिकाऊ है, मुद्दा विहीन नेता विहीन, बातों को कोट, सोशल मीडिया एक नंबर है, जितना अधिकार आपको है उतना अधिकार हमें भी है, सोशल मीडिया, हाँ इस बात को कोट करिए, लोग जागरूक, हाँ लोग जागरूक, पहले बर्दाश्त करो, पहले शांति, पहले
शांति, पहले शांति, पहले शांति। हम आप एक मिनट, दो मिनट शांति, दो मिनट। देखिए देश के कोने कोने से युवाओं ने फूका है बिगुल कि हमें नहीं चाहिए ये फूल, ये बना रहा अप्रैल फूल, FWL फूल, खजाना कर लिया हाउस फूल, जरूरत से ज्यादा हाउस फूल, इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है ये कर लिया हाउस फूल, हमें नहीं चाहिए ऐसा फूल जो जनता को आंखों में झोंक दे धूल, और देखते देखते चौपट कर दे देश का सारा स्कूल। एक तरफ इसलिए हमें नहीं चाहिए, एक तरफ बीजेपी 400 पार कर रही है, 400 पार कर रही है, दूसरी तरफ बिन दुल्हा के बराती, बिन दुल्हा के पूछिए, और सारे युवा हाथ में लेके एक मिनट रुक जाइए, एक भी नहीं खेलने देंगे, कोई फायदा ही नहीं, सबसे बड़ी समस्या कोई फायदा, अगर 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 बात को ढंग से नहीं रखोगे, भ्रष्टाचार करता है अत्याचार तरह तरह से, हम करते रहे पत्राचार लेकिन फिर भी नहीं होता उपचार, हम सबको करके रखा लाचार, और जो भ्रष्टाचार को बना के रखा शिष्टाचार, सारे भ्रष्टाचार को अपने में शामिल कर रहा है, कौन पीएम को छोड़ नहीं रहा, पीएम कौन बने, मोदी मोदी सर, पीएम कोई भी बने, आज के युवा नेता को चाहिए, युवा जो भी नागरिक है हमें चाहिए रोजगार, बस रोजगार दे दे, देश की जनता जिसे संतुष्ट हो वो उन्हें मिले, फूल को बना हाथ हो, फूल हो या चाहे हाथ हो, हाथ जोड़ोगे तो आदर मिलेगा, फूल दोगे तो भी प्रेम मिलेगा, बस आपका दिल होना चाहिए, वो किस नाते आप दे रहे हो, मन में आपके पाप है तो कुछ भी दे दो, मरने वाले के ऊपर भी फूल चढ़ाते हैं, चढ़ा दो, किसको बना रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, मोदी बने, क्यों बना रहे मोदी, क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म किया, कितना चिल्ला रहे आप, कह रहे हो मोदी को, करप्शन को खत्म किया मोदी ने, करप्शन खत्म हुआ, और देश को बहुत आगे बढ़ाया, पूरे वर्ल्ड में नाम किया, पूरा वर्ल्ड में अपना नाम किया है, पीएम किसको बनाएंगे, पीएम किसको, मोदी को, नरेंद्र मोदी, पीएम आप चिल्लाओ मत, आगे मत आओ, किसको पीएम बना रहे हो, मोदी किसको बना रहे, राहुल गांधी, चलिए किसको बना रहे, पीएम कौन बन रहा है, पता नहीं, पीएम कौन बन रहा है, मोदी, पीएम कौन बन रहा है, मोदी, अखिलेश यादव, किसको बना रहे, नरेंद्र मोदी, अब एक मिनट रुक जाइए, गुजरात में एक मिनट रुक जाइए, चिल्लाने से पहले एक मिनट रुक जाइए, 90% लोग 80, आपने देखा, देखिए अनकट वीडियो, अंकल अगर बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं डिबेट में, आप लोगों ने देखा अनकट वीडियो में, यहाँ हमारा ना कोई पहचान का है, ना कोई रिश्तेदार है, ना हमें किसी से कोई लेना देना कि ये बीजेपी का है कि ये कांग्रेस का है, फालतू चिल्लाने से अच्छा आप लोगों के बीच में, अगर हमने 10 लोगों से बात किया हो, गिन के 10 लोगों से, जिसमें से 8 लोग 7 लोग यही बोले हैं कि मोदी आएगा, आप बताइए इस अंकल जी को हम क्या जवाब करेंगे, नहीं आपके सामने हमने 10 लोगों से बात किया जिसमें 7 और 8 बंदों ने कहा मोदी आएंगे, आप चिल्ला रहे हो, इतना शांति से बात नहीं कर रहे हो, ना बात रखने दे रहे हो, ये बताइए भूसा के ऊपर लिप देने से मजबूत हो जाएगा, पहले क्वालिफिकेशन क्या पूछा जिसका 140 करोड़ जनता का एक तिहाई बहुमत देश के प्रधानमंत्री के साथ हो, हम क्वालिफिकेशन उसका हम क्यों जाए, अंजना ओम कश्यप के जैसे आप भी उनके साथ हैं, ठीक है आप भी उन्हीं के साथ हैं, सीधा सुनिए, सबसे बड़ी समस्या देखिए, अनकट वीडियो, 10 लोगों से बात किया, 10 लोगों में सबने कहा, आम पब्लिक है सबने कहा मोदी आ रहे हैं, और जिनको राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक फायदों के लिए, इन लोगों की बातों को देखिए, और भी कराते हैं, पीएम किसको नरेंद्र मोदी पीएम बनाएंगे अखिलेश को, अच्छा पीएम किसको, अखिलेश आपका हो गया, किसको मोदी नहीं, किसको बना रहे, मोदी, किसको बना रहे, मोदी, किसको बना रहे भैया, अरे मोदी का ये कोई कुछ बोल सकता, मोदी किसको बना रहे, मोदी, आप बताओ कहाँ गए हमारे अंकल जी, एक मिनट, अरे रुको यार अंकल जी, आप बताओ हम क्या करें, कहाँ से राहुल गांधी या केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना दे, प्रधानमंत्री बना दे, प्रधानमंत्री बनने के लिए
बहुमत की जरूरत पड़ती है वो भी संसद में देना पड़ता है। बहुमत चाहिए, सब होगा, जनमत चाहिए सर, अपने बाल बचाने मत चाहिए, बहुमत चाहिए। बहुमत बोल रहे जिसके पास अपना बीबी है ना, बाल बच्चा है, उसके पास कहां बहू आएगा? तो मत हो गया, बहू को मत दो। चलो सुनो, सुनो, बीबी बच्चा हो, कांग्रेस में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी। समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव। आरजेडी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव। माया बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री कौन बनेगी? मायावती जी। आप बताइए, समय पर तय होगा। अगर चिंता आजकल का मीडिया के साथ दिखाने की पावर नहीं है, क्योंकि पावर दिखाती तो युवा नंबर पर नहीं होता। आज आप युवा, आप मीडिया 161 नंबर पर, आज विदेश बोल रहे हैं कि भारत का मीडिया सबसे गिरी हुई हो गई है। क्यों बोल रही है? क्योंकि क्यों 161 नंबर कहां? अरे जो मोदी मोदी, क्योंकि कहीं भी लोग, हां छटपटा देखो, छटपटा नजर में आता है, पब्लिक पब्लिक सब समझती है, पब्लिक सब समझती है। ये भैया इसीलिए इसीलिए हम पब्लिक ओपिनियन दे देते हैं, ऐसे ऐसे ही छटपटाहट के लिए पब्लिक ओपिनियन देते हैं। कितना पैसा मिला? कितना आप दिलाओगे? तुम्हारे लिए कितना दिलाओगे आप? मोदी का प्रचार कितना पैसा मिला? कितना मोदी का प्रचार कितना पैसा मिला तुम्हारे लिए? कितना दिलाओगे? कितना पैसा मिला? कितना दिलाओ आप? कितना दिलाओगे? हम कह रहे हैं हम सक्षम हैं, हम मेहनत करते हैं और हम सक्षम है अपने आप। आप कितना दिलाओगे? इसके, इसके। आप कितना? तो अरे हम भाई साहब कह रहे हैं, मिलिए बताओ। चलिए चलिए चलिए, हम मोदी बताओ। चलिए आप भी तो पक्ष रख रहे हैं, आप भी पक्ष रहे, आपको पक्ष मिला, आपको कितना मिला? किसके लिए? कितना लेकर आए हो? किसके लिए कितना लेकर आए? कितना लेकर आए? तुम बिके भाई हो? तुम भी तो लेकर आए हो? तुमसे कम नहीं है, तुम्हारे जैसे आपके जैसे, आपके जैसे सात लड़के हमारे ऑफिस में काम करते हैं, तुम्हारे जैसे सात, 500 रुपए रोज के दूंगा मैं तुम्हारे लिए, आप प्रचार करो, 500 रुपए, 700 रुपए हमारा कैमरामैन पाता है, 500 रुपए आप कमाइए, 700 रुपए हमारा कैमरामैन कमाता है, और तुम्हारे जैसे सात लड़के हमारे ऑफिस में काम करते हैं। चलिए चाचा बोल लिए, चाचा को हो गया, हो गया। विपक्ष की छटपटाहट भैया सामने है, पब्लिक ओपिनियन आप लोगों के सामने है, पब्लिक ओपिनियन यानी कि सरकारें बनती हैं बहुमत से, और जिसके पास बहुमत होगा वो सरकार बनाएगी। और रही बात सत्ता पक्ष या विपक्ष, लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक में है, आप लोग अपने अपने बातों को कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि क्योंकि हकीकत पब्लिक जन समूह मतदान और जन सपोर्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं लेकर आता है। और ऐसे जिस हिसाब से विपक्ष की छटपटाहट सामने है, उसी प्रकार से हमारे अंकल जी का भी छटपटाहट आप लोगों के सामने है। चलिए और लोगों से, नए लोगों से, राजनीति से प्रेरित पैसे लेकर आकर चंचाई करने वालों से बात नहीं करना, आम आदमी से बात करते हैं। पूछ लेते हैं कौन बनेगा पीएम, कौन बनेगा पीएम? पता ही नहीं भैया, किसको बनाएंगे पीएम? मोदी। मोदी किसको बना रहे पीएम? मोदी। किसको बना रहे भैया? बन गए जो बनना था। किसको बना रहे? मोदी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी बनेंगे। अब हम क्या करें अंकल जी, आपके लिए हम कहाँ गए? अंकल जी हमारे, अंकल जी कहाँ गए? आप बताइए अब हम क्या करें, क्या कर डालें आपके लिए? कुछ नहीं, आपको करना जन समूह जिसके साथ होगा, जिनके साथ जन समूह का साथ होगा, जिनके साथ जन समूह होगा, जिसके पास बहुमत होगा वो बनेगा। आप बताइए आपके लिए क्या करें, क्या कर सकते हैं? सब देखा, पूरा देश देखा, पूरा देश देखा, जो हुआ जो हुआ वो पूरा देश देखा। मलिक ने सीधा कहा, पूरा देश देखा, जो हुआ वो पूरा देश देखा। राजनीति से प्रेरित होकर चमचई कर मीडिया पर आरोप लगाने वालों के लिए अनकट वीडियो है, एक बार जरूर देख के कमेंट करिएगा। बने रहिए डेली न्यूज इंडिया पर, ढेर सारे अपडेटों के साथ आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।